हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाना। आज की हमारी स्पेशल और टेस्टी रेसिपी है नारियल पाक, इसे नारियल की बर्फी भी बोलते हैं, खोबरा पाक। इसे बनाना बहुत ही इजी है, ये बहुत ही झटपट और बहुत ही कम चीज़ों से इतनी अच्छी बर्फी रेडी हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बहुत ही कम चीज़ें और जो घर पर चीज़ें अवेलेबल होती है बस उन्हीं चीज़ों का यूज़ किए हैं। आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें लिए हुए। एक कप हमने नारियल लिए हुए, ये ना ही सूखा नारियल है और ना ही गीला नारियल है। जो गीला नारियल हमने घर पर लाकर रखे हुए थे उसे 10 दिन हो चुके थे, तो ये थोड़ा से आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह से मॉइस्चर है। ये देखिए, ना ही ज़्यादा सूखा है ना ही ज़्यादा गीला है। तो इस तरह से अगर आप नारियल लेकर बनाते हो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर हमने एक कप नारियल लिए है तो उस हिसाब से हमने एक कप चीनी लिए है और चीनी का हाफ, यहाँ पर पानी लिए हाफ कप पानी, और यहाँ पर हमने हाफ कप ये होममेड घी लिए हुए है। इसे गर्म करने के बाद में ये फूल हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप बराबर मेजर करके ले लीजिए। यहाँ पर हमने 5 बादाम, 5 काजू, किशमिश, 2 इलायची और जायफल। जायफल को हम थोड़ा सा ही डालेंगे, थोड़ा सा किसकर डाल देंगे उसका पाउडर बनाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। चाशनी के लिए यहाँ पर हमने जो 1 कप चीनी लिए है वो डाल देते हैं। इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे चीनी के, आधा, और इसकी पतली चाशनी बना लेंगे। जो एक तार वाली होती है ना चाशनी, सेम उसी तरह की बनाना है हमें। इसे अब हम पकने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सूखे खोबरे को इस तरह से कट करके क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास ये किसनी है ये थोड़ी बड़ी साइज की है, तो हम इसमें ये किस नहीं सकते हैं। छोटी मेरे पास है नहीं, अगर आपके पास है तो आप उसमें कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे मिक्सर के ग्राइंडर में पीस कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा जाड़ा मोटा ही पीसूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कुछ इस तरह का यहाँ पर पीस कर लियो। ये देखिए, ये हमें इस तरह का जाड़ा ही पीसना है, और इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक दूसरा पैन ले लिया है, इसमें जो हमने 1/2 कप जो घी लिए हुए है होममेड घी, ये डाल देते हैं। यहाँ पर हम घी पूरा ही डालेंगे। यहाँ पर हम घी को ज़्यादा नहीं गर्म होने देंगे, बस हल्का से मेल्ट हो जाए। ठीक, ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया। इसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे काजू और बादाम, ये डाल देते हैं। इसे हम हल्का से ही सॉटे करेंगे। थोड़ा से जब कलर चेंज हो जाए ना, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से सॉटे हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं। और जो हमने यहाँ पर ये सूखा नारियल जो पीस कर रखे हुए, ये डाल देते हैं। यहाँ पर जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो धीमी गैस पर ही करना है, फास्ट गैस पर बिल्कुल नहीं करना है। इसे थोड़ा कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से हम ब्राउन कर लेते हैं। थोड़ी हल्की सी धीमी सी खुशबू आने लगे ना, उसके बाद में हम गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस तरह का ये जो टिफिन होता है ना घर पर,
वो वाला लिए, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा बर्तन नहीं है, इसलिए इसमें हम थोड़ा से घी लगा लेते हैं। यहाँ पर जो भी प्रोसीजर वो हमें जल्दी से करना होता है, क्योंकि जब गरम गरम होता है ना तभी डालना होता है उसमें। यहाँ पर हल्का से ही घी लगाएंगे हम, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ताकि जब वो निकले ना तो अच्छी तरह से आपकी जो बर्फी है बहुत अच्छी तरह से निकले। ये देखिए हमने इसे घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिए है, अभी हम इसे साइड में रख। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सूखा नारियल है अच्छी तरह से हो गया है, थोड़ी अच्छी सी एक धीमी सी खुशबू भी आ रही है सी के अंदर। इसमें हम इलायची और जायफल पाउडर डाल देते हैं जो हमने पीस कर रखे हुए है। यहाँ पर हमने जो क्वांटिटी लिए है सूखे खोबरे की वो कम है, इसलिए हम एक चुटकी डाल रहे हैं। अगर आप जो क्वांटिटी अगर डबल कर लेते हो तो आप 1/4 टीस्पून डाल दीजिए। ये देखिए ये डालकर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं, और जो हमने बादाम और काजू को पीस कर रखे हुए है वो डाल देते हैं। ये डाल देते हैं, इसमें हम किशमिश डाल देते हैं। ये देखिए किशमिश को हमने थोड़ा सा 2-3 टुकड़ों में कर लिए, क्योंकि इस तरह से जब बारीक बारीक जब मुँह में जब आता है ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये एक तार की जो चाशनी है ना वो अच्छी तरह से रेडी, मतलब परफेक्टली रेडी हो गई है, देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं एक तार की चाशनी। अब ये जो चाशनी रेडी है हम हमारे मिक्सर में डाल देते हैं वो। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने चाशनी रेडी करके रखे हुए है उसमें हम ये मिक्सर डाल देते हैं। ये देखिए ये जो चाशनी है ना हमने गैस पर ले ली अभी से, और जो ये मिक्सर हमने रेडी किए हुए हैं ये डाल देते हैं। यहाँ पर हम इसे बहुत ही झटपट इस तरह से चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से इसे मिक्स करना है, आप देख सकते हैं इसका कलर और इसका टेक्सचर कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी आधा पक चुका है, थोड़ा से बाकी। इस तरह से जब बर्तन छोड़ने लगे ना ये, यानी कि जो आपका मिक्सचर है वो अच्छी तरह से रेडी हो गया है। ये देखिए, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकाना है, ताकि नीचे लगे नहीं, अगर नीचे लगता है तो उसका टेस्ट पूरा चेंज हो जाता है। इसे नारियल पाक भी बोलते हैं। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है जो इजीली 10 मिनट में रेडी हो जाती है, और आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बर्तन छोड़ रहा है, यानी अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अभी जो हमने बर्तन में ग्रीस करके रखे हुए ना घी लगाकर, उसमें डाल देते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से डाल दिए। जब ये गर्म होता है ना तभी हमें इसे अच्छी तरह से शेप दे देना। ये देखिए इस तरह से लगाते हुए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक छोटी कटोरी पे घी लगा लिए है, और इसे इस तरह से प्लेन कर लेंगे। अगर आपके पास दूसरा कोई बर्तन है इस तरह का, अगर स्पून है तो आप उससे भी कर सकते। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा अच्छी तरह से इसे प्रेस करते हुए करें। ये देखिए यहाँ पर हमने इसे कर दिए हैं। इस पे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे हुए ये डाल देते हैं। इसे हम कट कर लेते हैं, जो बर्फी का आपको जिस जैसा शेप देना है उस तरह का कट कर लिए। ये जब गर्म होता है ना तभी इसको आपको कट करना होता है, क्योंकि बाद में फिर ये कट नहीं होता है। ये देखिए इस तरह से, इसमें हम एक पिस्ता रख देते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से सेट कर दिए हैं और कट भी कर दिए, क्योंकि बाद में जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना तो कट नहीं होता है वो, इसलिए पहले हमने कट कर दिए। अभी आधे घंटे के बाद हम इसे चेक करके बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है, ये ठंडा भी हो चुका है। अभी हम इसे अनमोल्ड कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक प्लेट ले लिए, इसे रख कर इसे टर्न कर देते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक निकल गया है, ये देखिए कितना परफेक्ट बना हुआ ये। अब ये बाकी के सब इजीली निकलेंगे, ये देखिए। देखिए कितना परफेक्ट आया हुआ है इसका शेप वगैरह। यहाँ पर हमें ये जब गर्म था तभी हमने इसे कट कर लिए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना परफेक्ट रेडी हुआ है ये। आप देख सकते हैं इसका कलर और इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट बना हुआ है ये। यहाँ पर हमने बहुत ही झटपट सिर्फ 10 मिनट में इतनी कम चीज़ों से इतना परफेक्ट और इतना टेस्टी खोपरा पाक बनाए हुए हैं, नारियल पाक। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। ये लीजिए फ्रेंड्स, नारियल पाक रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपके कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल खाना पकाना पर ज़रूर भेजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।